नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा और इस समय आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट, जिसमें सबसे पहले खास खबर। मांगों को लेकर किसानों ने जमाया मोहाली चंडीगढ़ की सीमा पर डेरा, पुलिस ने चंडीगढ़ में प्रवेश से रोका, सीएम संग बैठक भी हुई फेल। आईएएस अशोक खेमका को हाईकोर्ट से मिली राहत, भ्रष्टाचार के आरोपों वाली एफआईआर पर नहीं होगी कार्रवाई। गार्बेज कलेक्शन की दरों में वृद्धि का कांग्रेस करेगी विरोध, नगर निगम से बड़ी दरें वापस लेने की मांग। और अब खबरें विस्तार से। अपनी मांगों को लेकर पंजाब भर से किसानों ने आज पंजाब सरकार के खिलाफ चंडीगढ़ में ट्रैक्टर रैली की घोषणा की थी, लेकिन पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस दो दिन से उन्हें रोकने की पूरी तैयारी में जुटी हुई थी, जिसमें वे कामयाब भी रहे। मोहाली और चंडीगढ़ की सीमा पर किसानों को रोक लिया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री के साथ किसान जथेबंदियों के नेताओं की एक बैठक भी हुई, लेकिन इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल सका, जिसके बाद कुछ किसानों ने बैरिकेड तोड़कर चंडीगढ़ में प्रवेश की कोशिश भी की, जिन्हें पुलिस ने वहीं रोक लिया, जिसके बाद किसान वहीं सीमा पर ही डेरा जमाकर बैठ गए हैं। किसानों का कहना था कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती, वे यहां से नहीं हटेंगे। सेक्टर 38 में स्थित डंपिंग ग्राउंड को हटाने को लेकर दाखिल याचिका पर नोटिस मिलने के बाद मंगलवार को चंडीगढ़ नगर निगम की कमिश्नर ने एफिडेविट के माध्यम से एक्शन टेकन रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की। उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि गार्बेज कलेक्शन और गार्बेज को ठिकाने लगाने का काम बिल्कुल नियमों के अनुसार हो रहा है। उन्होंने कहा कि मशीनरी और मैन पावर बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया है कि नगर निगम ने गार्बेज हटाने और डंपिंग ग्राउंड को समतल करने के लिए 33 करोड़ का बजट रखा था, लेकिन अब भविष्य में 77 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट डंपिंग ग्राउंड को हटाने के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा कि गार्बेज का सेपरेशन भी बहुत ही तरीके से हो रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि यहां डंपिंग ग्राउंड को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। वहीं बचाव पक्ष और याचिकाकर्ताओं का कहना था कि चंडीगढ़ नगर निगम हर बार कोर्ट को गुमराह करती आई है। उन्होंने कहा कि जो एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की गई है, वो सिर्फ एक दिखावा है, असल में ऐसा काम नहीं हो रहा, जिस पर हाईकोर्ट ने एक बार फिर निगम कमिश्नर को 30 दिन के बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट लेकर हाईकोर्ट में आने को कहा है। चंडीगढ़ और पंचकुला की सीमा के अंतिम गांव है रायपुर कला, लेकिन इस गांव की समस्याएं इतनी है कि लोग यहां के परेशान होते हैं। सीवरेज, पीने के पानी समेत कोई भी सुविधा यहां उपलब्ध नहीं हो रही। बावजूद इसके चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस यहां भेज दिए गए हैं, जिसके बाद गांववासियों में खासा रोष व्याप्त है। हमने गांव का दौरा किया और गांववासियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं का जायजा लिया। चंडीगढ़ और पंचकुला की सीमा पर स्थित अंतिम गांव है चंडीगढ़ का रायपुर कला, लेकिन इस गांव में समस्याओं का अंबार है। सड़क, सीवरेज और पीने के पानी समेत कोई भी सुविधा इस इलाके में लोगों को सही से नहीं मिल पा रही है, जबकि चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम द्वारा यहां पर प्रॉपर्टी टैक्स लेने के लिए बार बार नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिसका ये लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि इनका गाँव तो चंडीगढ़ के अंतर्गत आता है, लेकिन इस गाँव में कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है, जिससे ये काफी निराश हैं। लोगों का कहना है कि गर्मियों के दिन हैं और उन्हें पीने का साफ पानी तक नहीं मिल रहा है और मजबूरी में पैसे देकर टैंकर मंगवाने पड़ते हैं, तब जाकर वह पानी पीते हैं। यही नहीं, सड़कों का भी बुरा हाल है। सालों पहले बनी सड़कें अब धूल और मिट्टी से भरी पड़ी हैं। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, कहना तो दूर की बात, सड़क दिखाई तक नहीं देती है। और उस पर भी बड़ी बात यह कि निगम ये सब जरूरी काम तो नहीं कर रहा, लेकिन उल्टा यहाँ पर शराब का ठेका खोलने जा रहा है, जिसका ये लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि शराब का ठेका अगर गांव में खुलता है तो इससे उनके बच्चे और उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। एकदम इतना हम महंगाई करी हुई है जी, सिलेंडर देख लो क्या रेट पहुँच गया जी, हर CNG किन्ने, पेट्रोल किन्ने महंगा हो गया जी, ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स पा रहे हैं जी, ना कोई पिंड में कम होया ना कुछ होया, कागज टैक्स दईए जी असी, नाले महंगाई का हद, सिलेंडर 1050 नू करता जी, कितने 400 रुपये का मिलता था, क्या करूँगे असी, क्या कमाऊँगे, क्या खाऊँगे जी असी, दसो जी आने वाले टाइम तो असं किस तरह बच्चे ने पढ़ाऊँ, क्या करूँगे दसो जी, इलेक्शन का टाइम तो आ जाते, बाद में फिर हाथ जोड़िए, फिर साढ़े हाथ कोई पुछता नहीं आन के, सड़कों का पिंड देख लो क्या हाल है जी, मिट्टी घर के बिच जा जाके बढ़ रही है जी, पूरा हाल गंद पूरा पैंदा जी, क्या करिए, गड्डियां लंघदियां
ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪੈਪ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਟੈਂਕਰ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਜੀ ਪਾਣੀ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਵੀ ਟੈਂਕਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਭੋਰਾ ਵੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਸਖਤੀ ਆ ਭੈਣਾ ਇੱਕ ਜੀ ਆ ਜੀ ਆ, ਫਿਰ ਦਾਰੂ ਪੀਆ ਕਰਾਂਗੇ ਗਲੀਆਂ ਬੈਠੇ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋਏ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਟੈਂਕਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਠੇਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਹਿਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੂਸਟਰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਸਟਾਰਟਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਡਰੇਨ ਪੂਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਫੈਸੀਲੇਟੀ ਦਿਉਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ, ਜੋ ਵੀ ਵਾਜਬ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸੀਲਿਟੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਣ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰੈਪਰ ਕਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ADC ਨੂੰ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਠੇਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ, ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਔਰ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਠੇਕਣ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਪਾਈਪ ਦੇ ਪੈਪ ਕੁਛ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਏ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਦੀ ਪੈਪ ਤਾਂ ਪਾਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਹੁਣ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਪ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਲੋਕ ਗਰਦੇ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਾਹਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ 4-5 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਤੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਆਪਣੇ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਪ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਅਸੈਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਤਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪੈਪ ਪਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਈਏ? ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਰਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਦਈਏ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਹੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਔਰ, ਜਿਸ ਗਾਓ ਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋ ਅੱਛੀ ਸੜਕ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਕੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਏ ਥੀ, ਵਹਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਰਾਬ ਕੇ ਠੇਕੇ ਕੀ ਸੌਗਾਤ ਦੇਣੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਹਿਲੇ ਮੂਲਭੂਤ ਸੁਵਿਧਾਏ ਨਾ ਮਿਲਨੇ ਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਥੇ, ਤੋ ਉਸ ਪਰ ਅਬ ਯਹਾਂ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾ ਠੇਕਾ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਨਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋ ਔਰ ਬੜਾ ਦਿਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਮੇਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾ ਕਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਓ ਕੋ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਯਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬੜਾਨਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ ਗਾਂਵ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਵੀ ਸੁਨੇ ਔਰ ਇਨਕੇ ਸਮੱਸਿਆਓਂ ਕੋ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਬੜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ TV ਕੇ ਲਿਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਮੇਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣੇ ਕਾ ਐਲਾਨ ਕੀਆ ਹੈ। ਵੇ ਆਜ ਯਹਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੇ ਸਾਥ ਬੈਠਚੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौजूद रहे। इस मौके पर भगवंत मान ने कहा कि हाईकोर्ट जो भी दिशा निर्देश देगा पंजाब सरकार उसकी पालना करेगी। उन्होंने पंजाब सरकार की कार्यप्रणाली का भी इस अवसर पर जिक्र किया। इन्हों का जिन्ना तजर्बा है जिन्ना एक्सपीरियंस है उन्होंने ये इस्तेमाल करके अपने फैसले सुनाते हैं क्योंकि जे कदे कोई पिंड का सरपंच भी बन जाए पहली बार तो वह जित जाता है क्योंकि नवा होता है। अगली बार उन्हू एंटी इनकंबेंसी का सामना इस करके करना पैंदा कि जिन्ने उन्हें फैसले कराए होंगे ने एक धिर तो गुस्से होंगी होंगी है ये सरपंच ने साढ़े ना करता पर इत्थे जिहड़े फैसले होंगे ने वो सर्वमान्य सबनू मनण योग ने मनयोग अदालत के हुक्म ने इस करके साडा जिहड़ा लोकतंत्र है वह बहुत बड़ा एक खंभा जुडिशरी है। हमेशा से ही चर्चा में रहे आईएएस अधिकारी अशोक खेमका को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उन पर पंचकुला के सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई एफआईआर पर किसी भी तरह की कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन करने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इस संबंध में सरकार को और पुलिस को नोटिस जारी किया है जिनसे 4 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया गया है। आपको बता दें कि अशोक खेमका के खिलाफ वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के वर्तमान MD संजीव वर्मा की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था जिसमें आरोप लगाया था कि 10 वर्ष पहले अशोक खेमका ने मैनेजर स्तर के 2 अधिकारियों को गैर कानूनी तरीके से नौकरी पर रखा जिसकी एवज में भारी मोटी रकम ली गई है। अशोक खेमका ने भी इसके जवाब में संजीव वर्मा के खिलाफ पंचकुला में FIR दर्ज करवाई थी जिसमें अब संजीव वर्मा CBI की जांच की मांग कर रहे हैं। चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा गार्बेज कलेक्शन में 5% की बढ़ोतरी के खिलाफ चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस ने शहर में प्रदर्शन की चेतावनी दी है। पानी के बिलों में यह बढ़ा हुआ चार्ज लगकर आ रहा है। मंगलवार को कांग्रेस ने शहर की मेयर सरबजीत कौर को इस बढ़ोतरी के खिलाफ एक मांग पत्र भी दिया है। चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा गार्बेज कलेक्शन में 5% की बढ़ोतरी के खिलाफ चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस ने शहर में प्रदर्शन की चेतावनी दी है। पानी के बिलों में यह बड़ा हुआ चार्ज लगकर आ रहा है। मंगलवार को कांग्रेस ने शहर के मेयर सरबजीत कौर को इस बढ़ोतरी के खिलाफ मांग पत्र दिया और अनावश्यक रूप से वसूले जा रहे गार्बेज चार्ज को नियमित करने की मांग की गई। साथ ही कहा कि दुकानदारों से वसूला जाने वाला प्रॉपर्टी टैक्स भी रद्द किया जाए। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मनोज लुबाना के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस मेयर को मिली। वहीं मेयर ने यूथ कांग्रेस को आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे पर वे विचार करेंगी। आज जो साडे चंडीगढ़ के मेयर मैम है उन्होंने अजे मेमोरेंडम देन जा रहे हैं असी कि जो गारबेज का प्रॉपर्टी टैक्स का दिन पर दिन बिल आ रहा है। आप सुबह उठ हर महीने बंदा देखता है कि हर चीज़ तो बढ़ोतरी हो रही है। मतलब ये देखना चाहिए कि आप चंडीगढ़ के कड़े प्रोमिस करके मेयर बने से और प्रोमिस आज तक एक भी पूरा नहीं होया। लोगों दिन पर दिन मतलब मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तो हम ये डिमांड रखने आए कि मैम जो ये गारबेज का बिल है इसको कम करें और लोग मतलब आप लोगों को सुविधा देने की बजाय मतलब मुश्किल पैदा ना करो लोगों के लिए। हाँ मतलब आप देखो कि किस किस दौर से हम गुजरे हैं। पिछले 2-2.5 साल में लोगों की कितनी नौकरी चलेगी क्या हुआ है उस दौर के बारे में सोचो और जो ये बिल है ये सारा कुछ इनके बारे में इनको कम करो वरना हम अपना प्रदर्शन यहाँ पे करेंगे। मैं कह तो रहा हूँ कि हमारे गाँव में जाओगे आप किशनगढ़ में 2 साल बाद सड़कें बनी हैं और जो सड़क एक है जहाँ पर सब दुकानें हैं वहाँ पे रोड नहीं बना हुआ और 1.5 महीने से वो रोड बंद है। पिछले 2 साल से वो रोड बन रहा है ठीक है और कंप्लीट नहीं हुआ। अभी वो मेरे ख्याल से 3-4 महीने और बंद रहेगा। वो कहाँ से प्रॉपर्टी टैक्स देंगे जो दुकान नहीं बंद है। 2-2 साल हो गए आप मेरे गांव का माहौल देखें और किसी कैंप वाला गाँव का माहौल देखें और कोई गाँव में जाओगे दड़ुआ में देखो मतलब गाँव के माहौल तो देखो ना आप कहाँ पर रहने लायक माहौल नहीं है वहाँ पर आप उनसे प्रॉपर्टी टैक्स मांग रहे हो। गारबेज का पानी आ नहीं रहा और बिल इतने आ रहे हैं। हाँ पानी आ नहीं रहा। पानी आ रहा है तो गंदा आ रहा है कहीं पानी नहीं आ रहा है। आप बोल रहे हो कि ये रेड लाइन से बाहर आए अंदर है मतलब सारी चीज़ों के आप लोगों के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। अपनी आपको चुना जाता है लोगों की मुसीबत हल करने के लिए ना कि लोगों की मुसीबत डालने के लिए। सर अज असी मेयर दफ्तर आए हैं तो मैडम नाल असी एक सलाह करना आए हैं कि जेहड़े चंडीगढ़ के हालात है महंगाई के हालात है सिलेंडर की कीमत ले लो तुसी प्रॉपर्टी टैक्स ले लो कुछ भी ले लो सर लोग परेशान हो चुके हैं
जिहड़े मतलब दो चार बंद जिहड़े बंदे सीगे जिहड़े कमांदे सीगे वह कमाइयां बिल्कुल नहीं रही ने। लोग सड़कां च आ गए ने, जिहड़ी नौकरियां बंदे कर रहे सीगे बेचारे घर चले गए ने। पिंडां दे हाल देख लो, तुसीं शहरां दे हाल देख लो, शहरां दे और पिंडां दे हाल इक हालात सेम टू सेम हो गए। अज की डेट ते कोई भी पैसे दी होगी मतलब कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल रही है लोगों नूं। बस असीं ये देण आए कि उन्हां नूं कि भी जिहड़े जिहड़े वादे उन्होंने किए सीगे जनता नाल कहा सीगा कि असीं ये वादे पूरे करनगे, वो कोई भी वादा पूरा नहीं होया है। सारे लोग अज भी असीं इसी प्रोटेस्ट वास्ते आए हैं, मैडम नाल गल करन आए हैं कि रिक्वेस्ट है जी लोगों वालों देखो जिहड़े लोग बेचारे ਧੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਿਵੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂ ਗਾਰਬੇਜ ਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸ਼ੋਪ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੂੜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਹੋਟਲ ਦਾ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ 500 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਲਾਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੱਦਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਵਿਕਾਸ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਈਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਈਏ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ 24/7 ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਸੀਵਰਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਹੇਗੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਛ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਚਲੋ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ। यूथ कांग्रेस का साफ कहना है कि शहर में गार्बेज और प्रॉपर्टी टैक्स लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि निगम लोगों को सुविधाएं प्रदान नहीं कर पा रहा है, उल्ट लोगों के लिए दिक्कतें पैदा की जा रही हैं। यूथ कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर टैक्स पर लगाम नहीं लगाई गई तो वे सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि मेयर के आश्वासन के बाद इस मुद्दे पर क्या लोगों को कोई राहत मिलती है या नहीं। पंजाब के सिटी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगत सिंह की रिपोर्ट। सत्रह मई को दुनिया भर में हाइपरटेंशन डे मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम माइनर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इन लीव लॉन्गर है। पीजीआई के कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर सोनू गोयल ने बताया कि ज़्यादा नमक का सेवन हाई ब्लड प्रेशर का अहम कारण है। उन्होंने बताया कि एक नमकीन या भुजिया के पैकेट में दो दिन के लिए लिए जाने वाले नमक की मात्रा होती है जो कि काफ़ी खतरनाक है। हर 17 तारीख के दिन एक वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाते हैं, तो इसका उद्देश्य ये होता है कि हमें जनता को जागरूक करें कि ये बीमारी जो है ये एक आम बीमारी नहीं है, ये एक बीमारी है जिसके कारण बहुत ही दुष्परिणाम हो सकते हैं। और जैसे हम हार्ट अटैक की बात करते हैं या स्ट्रोक जिसको ब्रेन अटैक या लकवा मार जाता है उसकी बात करते हैं, या आँख से नहीं दिखना जो हमारी वो होती है तो उसकी बात करते हैं, या किडनी फेलियर की बात करते हैं, तो यही सारी चीज़ें जो हैं एक ब्लड प्रेशर के कारण हो सकती है, जिसको हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं। इसके जो कारण हैं ज़्यादातर पता नहीं चलते हैं, पर जो कारण होते हैं उसके अंदर स्मोकिंग करना, दूसरा जो हम ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाते हैं और ट्रांसफैट युक्त चीज़ें खाते हैं जैसे पेस्ट्री वगैरह खाते हैं वो होती हैं, तीसरा जो हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम अपना दिनचर्या में एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, या फिर खाने पीने की चीज़ों में हम फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि सॉल्ट इनटेक हमारा जो नमक का इनटेक है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा का मतलब ये है हम अचार ज़्यादा खाते हैं, पापड़ खाते हैं या फिर एक पैक्ड फूड खाते हैं, तो उनके कारण ये सब चीज़ें हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं ये जो पहली स्टेज में नज़र नहीं आते हैं, तो इसके अंदर शुरुआत बाद में सबसे पहला सिम्टम जो नज़र आता है वो हेडेक है, सिर दर्द होता है और आँख से धुंधलापन होना होता है, और कभी कभी नाक से खून भी आ जाता है
और कभी आप चक्कर खा के गिर भी जाते हैं, डिजीनेस डिलीरियम, आपको समझ नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये एक आम से ये सिम्टम होते हैं, पर ये सिम्टम्स जो हैं वो जब हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस टाइम नज़र आते हैं, पहले कोई सिम्टम्स नहीं होते। पंचकुला में फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ एफपीओ की योजना के अंतर्गत सामुदायिक आधारित व्यापार संगठनों के एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने शिरकत भी की। इस कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी शिरकत की और किसानों को संबोधित भी किया। पत्रकार वार्ता कर उन्होंने बताया कि भारत सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, जिसके लिए उन्होंने किसानों से भी सहयोग की अपील की है। तो मैं हरियाणा सरकार को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, गठर साहब को और हमारे दलाल साहब को, कि कृषि के अंदर कई ऐसे जो केंद्र सरकार की योजना जिसमें एक नंबर के स्थान पर है, तो इससे मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार से जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको लेकर दूसरे प्रदेश भी उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हरियाणा के अंदर भी बहुत अच्छा काम कृषि के अंदर हुआ है और हो रहा है कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। हरियाणा में सरकार है और दिल्ली की सरकार है, उनका अच्छा तालमेल है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जैसे दो राज्यों के विषय होता है इसके अंदर राज्य मिलकर तय करते हैं, फिर भी ऐसे कहीं पर भी आती है तो केंद्र सरकार उसके अंदर इंटरवीन करता है और आवश्यकता पड़ेगी तो केंद्र सरकार इसकी समस्या का समाधान करने के लिए भी प्रयास। अब कांग्रेस को देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है और वो अब स्पष्ट होता दिख रहा है। और कांग्रेस पूरे देश और देश के अंदर देखा जाए तो गिनती के राज्य रह गए और इसके पीछे कारण है कि उनकी नीतियां, और उनकी नीतियां जिस तरह की रही उसकी वजह से जनता ने उनको नकार दिया। और राजस्थान में भी वही हो रहा है जो उनकी पहले की नीतियां थी, तुष्टिकरण की नीति। और राजस्थान के अंदर तुष्टिकरण की नीति का ये परिणाम हो रहा है कि वहां पर जो दंगा करने वाले लोग हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं और ऐसे खुले घूमते हैं तब दूसरे लोगों को फिर करने का अवसर मिलता है। तो ये तुष्टिकरण की नीति जो नहीं जा रही है ये आने वाले समय में देश के लिए घातक है और कांग्रेस के ये कल्चर में है। और इन्होंने जो इतने वर्षों तक जो शासन किया वो सिर्फ तुष्टिकरण की नीति के आधार पर ही उन्होंने किया था और इस बात को जनता समझ चुकी है। जनता विकास चाहती है और देश का कल्याण चाहती है, राष्ट्रवाद चाहती है, देश की सुरक्षा चाहती है और इसके अंदर नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से काम कर रहे हैं। ये काम अगर वो कर लेते कांग्रेस के लोग तो आज शायद उनकी इतने पूरे देश के अंदर जो उनकी ही सरकारें होती थी, एक सत्र उनका पूरा सब जगह था, लेकिन आज वो सिर्फ गिनती के रह गए हैं। तो इसे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस अपने जो मूल मंत्र या जो उनका सिद्धांत थे उनसे भटक चुकी है और भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों को और अंत्योदय के नारे को लेकर आगे बढ़ रही है, इसीलिए जनता का आशीर्वाद और सहयोग मिला। ट्राई सिटी में मंगलवार को फिर से 22 नए कोरोना के पेशेंट सामने आए, जिनमें चंडीगढ़ में 8, पंचकुला में 7 और मोहाली में भी 7 नए मरीज सामने आए हैं। इसके बाद प्रशासन ने एक बार फिर अपील की है कि मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और भीड़ वाले भरे क्षेत्रों में जाने से परहेज करें। जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई वे भी खुद की और अपने 12 साल से अधिक के बच्चों की वैक्सीनेशन जरूर करवा लें। सोमवार को हुई धीमी बारिश और तेज हवाओं के बीच तापमान में कुछ गिरावट महसूस की गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान भी 28.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले 24 घंटों में हवाएं चल सकती हैं और बूंदाबांदी के बाद कुछ तापमान में भी गिरावट आएगी। ट्राइसिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश की हर खबर और अपने आसपास हो रही हर घटना की जानकारी के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। हम फिर हाजिर होंगे ट्राइसिटी अपडेट लेकर, तब तक के लिए रमेश शाना को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।